आज की इस वीडियो में ना आपको मैं कुछ एसी का कुछ कंट्रोल फंक्शन और कौन सा फंक्शन किस तरह से काम करता है, क्या क्या पर्पस है, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है और किस में आपको गाड़ी चलानी चाहिए, वो सारा आपको इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि गाड़ी को एसी चलाकर कभी ड्राइव ना करें क्योंकि इससे क्या आपकी गाड़ी की पावर लॉस होती है और आपकी गाड़ी का फ्यूल भी है ज़्यादा कंजप्शन होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा ये आपका ब्लोअर फैन मोटर का स्विच है जहाँ से आप ब्लोअर फैन मोटर की स्पीड को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरफ की बात करें आप तो मैक्सिमम एसी, मिनिमम एसी, मिनिमम एसी, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम एसी। हीटर की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम हीटर और यहाँ पर मैक्सिमम हीटर। इसको आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से, अपने टेम्परेचर के हिसाब से आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, इसको पुश करके, रोटेट करके। थर्ड यहाँ पर बात आती है इस स्विच की, तो इस स्विच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ मोड दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये कुछ फेस की तरफ इन्होंने इशारा किया हुआ है जो एरो बनाकर। इस कंडीशन में क्या बोलता है कि आपके जो हवा है, जो एसी की हवा जो आएगी, जो वेंटों के थ्रू, जैसे ये वेंट है, जो वेंटों के थ्रू हवा, जैसे ये वेंट आपको दिखाता हूँ एसी के, ये आ गया ये वेंट, यहाँ पर वेंट आ गए, नीचे लगे होते हैं, तो ये जो वेंट है, ये जो हवा है, ये आपके फेस पर सिर्फ ओनली फेस पर ही आएगी। सेकंड में आपको फेस एंड पैर पर आएगी, थर्ड आपको पैर पर, फोर्थ आपको पैर एंड फ्रंट डिफोगर, एंड फिफ्थ आपको यहाँ पर डिफोगर पर, जो पर यहाँ पर डिफोगर का मतलब जब फोग जम जाती है शीशे पे, तब जो है ये यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर रखना होता है और एसी जो आपको मैक्सिमम में, मैक्सिमम स्पीड में चलाना होता है, तो फोग आपकी जो है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। फोग आपको पता होगा फोग क्या होती है, फोग खासकर आपको पता है सर्दियों में जमती है, बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, अंदर का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, तो तब उस कंडीशन में आपकी ये फोग जो है ये जमती है, तो इस कंडीशन में आप डिफोगर यूज़ कर सकते हैं आप इसको, फ्रंट डिफोग। इसके बाद यहाँ पर एसी का बटन दे रखा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एसी का बटन है, ये आपको पता है कि एसी का बटन किस लिए यूज होता है, ठीक है जी। जब आप एसी गाड़ी में आपको एसी चाहिए तो आपको बटन दबाना पड़ेगा, यहाँ पर अगर लाइट ब्लिंक होगी, लाइट ग्लो होगी, तभी आपका एसी जो है काम करेगा, जो एसी कंप्रेसर है, ठीक है, वो काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्कुलेशन मोड दे रखा है, यहाँ पर फ्रेश मोड जिसको बोलते हैं, बाहर की हवा बाहर से आएगी, अब अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, फ्रेश मोड या सर्कुलेशन मोड इसको बोल सकते हैं, रिसर्कुलेशन मोड या फ्रेश मोड। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसी इको, ये देखो ये क्या है आखिरकार एसी इको, ये देखो यहाँ पर एसी इको करके एक बटन दिया हुआ है जो लिखा है यहाँ पर एसी इको। देखो जो एसी इको है, इको का मतलब इकोनॉमी, इसमें आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी भी, देखो इसमें क्या है एसी जो आपका इको सिस्टम है, इको का मतलब मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी, मतलब जो आपका जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करो ना तो एसी को हमेशा इको में रखो। इको का मतलब होता है जैसे मान लो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी में एसी वर्क करता है जिसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वैसे ये इको काम करता है, मतलब जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में आपने टेम्परेचर के हिसाब से आपको ठंड लग रही है गर्मी लग रही है अंदर, उस हिसाब से आपका टेम्परेचर, उस हिसाब से जो है आपकी गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जैसे आपको गर्मी लग रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा करता है, ठंड लग रही है तो टेम्परेचर को कम कर देता है, और ब्लोअर की स्पीड, मतलब एसी इको में आपकी गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन तो रहेगा रहेगा। इस कंडीशन में क्या रहेगा आपका, एक तो आपकी गाड़ी में जो एसी कंप्रेसर लगा है उसको कट ऑफ करेगा एसी इको में, जैसे आपकी गाड़ी में मान लो आपको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है, अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंड महसूस हो रही है, तो एसी इको में क्या होगा, जो आपका एसी कंप्रेसर है वो कट ऑफ हो जाएगा, उस कंडीशन में आपकी एसी गैस कंप्रेस होना बंद हो जाएगी और आपकी गाड़ी नॉर्मल मोड में आ जाएगा, यानी कि ब्लोअर आपका काम करेगा। जैसे ही आपको गर्मी में लगने शुरू होगी तो वैसे जो एसी कंप्रेसर है वो चालू हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा आपको, एक तो इकोनॉमी बना के रखेगा एसी इको जो है, ये जो बटन है एसी इको, एक तो इकोनॉमी बना के रखेगा, ऊपर से आपकी गाड़ी की माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके इंजन परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपने हिसाब से जैसे ऑटोमेटिक होता है वैसे उस तरह से ये काम करता है एसी इको। इसमें क्या होगा आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है, फ्यूल इकोनॉमी उसको मेंटेन करके रखता है, फ्यूल इकोनॉमी को भी मेंटेन करके रखता है और फ्यूल एफिशिएंसी को भी, ना आपकी गाड़ी की पावर लॉस होती है ना ही आपकी गाड़ी में जो है एवरेज की दिक्कत आती है। तो ये थी आज की वीडियो छोटी सी जिसमें मैंने आपको एसी इको का फंक्शन बताया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।